हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम उन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे जो विल यू से शुरू होते हैं, वुड यू से शुरू होते हैं या कुड यू से शुरू होते हैं। और जो क्वेश्चंस या जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हम विल यू, वुड यू या कुड यू से शुरू करते हैं और जब हम इनके थ्रू कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो क्वेश्चन कैसा होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो जब भी हम कोई इन वुड यू, विल यू या कुड यू से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, इनकी मदद से जब कोई क्वेश्चन पूछते तो वो क्वेश्चन ऑर्डिनरी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। वो जो क्वेश्चन होता है वो एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन हो सकता है, ऑर्डिनरी क्वेश्चन हो सकता है वो। इसके अलावा वो एक ऑर्डर भी हो सकता है, वो एक रिक्वेस्ट भी हो सकता है और वो एक इनविटेशन भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है और वो इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर विल यू, वुड यू या कुड यू से शुरू है तो वो क्या है, वो ऑर्डिनरी क्वेश्चन है या वो ऑर्डर है या वो रिक्वेस्ट है या वो इन्विटेशन है। और जब हमें ये पता चल जाएगा कि भाई ये जो क्वेश्चन है, ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है और वो इंटरोगेटिव सेंटेंस विल यू, कुड यू, वुड यू से शुरू है और वो ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है, इनविटेशन है, जब आपको ये पता चल जाएगा तब आप उसको जो है सही तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में जो है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो विल यू, कुड यू, वुड यू से शुरू है और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कैसे करते हैं, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, तो वो सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ और उसके थ्रू हम समझेंगे कि हम उनको किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा ही सैड, ही सैड विल यू बी देयर टुमारो, विल यू Be there tomorrow? क्वेश्चन मार्क इंटर ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। नेक्स्ट मैंने लिखा द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा Will you stand still? Will you stand still? ठीक है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड, और इसी प्रकार से मैंने थर्ड सेंटेंस लिखा He asked कोमा इन्वर्टेड कोमा Would you like to spend your holidays with us? Would you like to spend your holidays with us? ठीक है, inverted comma close। और last sentence मैंने लिखा He said to me, would you post this letter please? Would you post this letter please? ठीक है, यहाँ पे हम विल भी यूज कर सकते हैं, ये वुड है ना, इसकी जगह हम विल जो है विल भी यूज कर सकते हैं। तो अब मैंने ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं रिपोर्टेड स्पीच में और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं कोई विल यू से शुरू है, कोई वुड यू से शुरू है, ठीक है। हालांकि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कुड यू से शुरू है, लेकिन कुड यू से भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे वुड यू पोस्ट दिस लेटर प्लीज़ है, यहाँ पे कुड यू भी हो सकता है, ठीक है, कुड यू भी हो सकता है, विल भी हो सकता है। तो जब हम इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पहचानना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस टाइप का है, ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन है या रिक्वेस्ट है, इनविटेशन है या ऑर्डर है,
ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये पहचानना पड़ेगा। तो एक एक करके हम इनको चेंज करते हैं। देखिए, तो इसमें जो ही सैड विल यू बी देयर टुमारो, ये एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है, पहला जो सेंटेंस है इसमें जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ये क्या है, एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, ऑर्डिनरी क्वेश्चन है ये। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम कैसे करेंगे, देखिए इसको ही और सेट का हो जाएगा आस्क्ड, उसके बाद लगाएंगे इफ़ इसलिए लगाएंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच में जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। और हमने सीखा था कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच का इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो हम कोमा इनवर्टेड कोमा को हटाने के लिए इफ़ का यूज़ करते हैं। हम यहाँ वेदर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इफ़ लगाया, उसके बाद यू है, सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट है नहीं, हम यहाँ पे मी सपोज कर लेते हैं। तो इसके अनुसार जब इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा आई। ओके, उसके बाद हम विल को बना देंगे वुड, उसके बाद बी, उसके बाद देयर और टुमारो को हो जाएगा द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे फुल स्टॉप। ठीक है, इस तरह से हम इसको चेंज कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, द टीचर सेड टू मी विल यू स्टैंड स्टिल, अगर टीचर आपसे कहे कि विल यू स्टैंड स्टिल, क्या तुम सीधे खड़े रहोगे, तो इसका मतलब वो ऑर्डर दे रहा है आपको सीधे खड़े होने के। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या है, ऑर्डर है, ऑर्डर है। तो इसको जब आप चेंज करेंगे तो देखिए, द टीचर, रिपोर्टिंग जो वर्ब है ये, इसको हम चेंज कर देंगे अब ऑर्डर्ड में, द टीचर ऑर्डर्ड मी। अब ऑर्डर दे रहे हैं तो ऑर्डर रिपोर्टिंग वर्ब यूज़ करके हम टू इन्फिनिटिव से इसको जोड़ सकते हैं, हमने ये इम्पैरेटिव सेंटेंस में पढ़ा था, तो हम इसको टू इन्फिनिटिव से जोड़ देंगे, टू स्टैंड स्टिल। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से चेंज कर देंगे। नेक्स्ट है, ही आस्क्ड वुड यू लाइक टू स्पेंड योर हॉलीडेज विद अस, तो इसमें रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट नहीं है सॉरी, यहाँ पे इनविटेशन है। यहाँ पे जो स्पीकर है वो इनवाइट कर रहा है अपने फ्रेंड को, कर रहा होगा कि क्या तुम जो है हमारे साथ अपनी छुट्टियाँ बिताना चाहोगे। तो इसको जब हम चेंज करेंगे, जब भी कोई रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो वुड यू या वुड यू मतलब वुड से शुरू हो, वुड यू, कुड यू या विल यू, जिसमें इनविटेशन हो, तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ये आस्क्ड इसमें लिख ही रखा है तो आस्क्ड लिखेंगे, उसके बाद इफ़ लगाएंगे, उसके बाद यू, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट है नहीं तो मी मान लेते हैं हम यहाँ पे, और मी के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे तो आई, उसके बाद वुड लाइक टू स्पेंड, उसके बाद योर सेकंड पर्सन है और रिपोर्टिंग आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, इसका हो जाएगा माई हॉलीडेज और विद और अस फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग आपके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो हो जाएगा देम और फुल स्टॉप। तो इसको हम बिल्कुल अपना जो ऑर्डिनरी वे में जो चेंज करते थे हम, ठीक उसी तरह से चेंज किया है हमने ये, इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा जो है चीज़ें यूज नहीं की हैं जैसे हमने यहाँ पे की थी। ठीक है, यहाँ पे नहीं, हमने यहाँ पे की सेकंड सेंटेंस में जो टू इन्फिनिटिव हमने जोड़ा है ये। इसके बाद है, ही सेड टू मी वुड यू पोस्ट दिस लेटर प्लीज़, तो इसमें रिक्वेस्ट है, इसमें प्लीज़ आ रहा है तो पहले इसमें तो रिक्वेस्ट है। ठीक है, रिक्वेस्ट है तो हम कैसे करेंगे इसको चेंज, देखिए तो इसमें हम रिक्वेस्टेड यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम करेंगे ही आस्क्ड या ही टोल्ड भी लिख सकते हैं, ही आस्क्ड या ही टोल्ड मी टू, और इसको इसको हटा देंगे और टू इन्फिनिटिव इसमें यूज करेंगे, टू पोस्ट दैट लेटर फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको जो है कोई भी अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है और जो विल यू वुड यू कुड यू से शुरू है तो उनको हम इस तरह से जो है अगर वो ऑर्डिनरी क्वेश्चन है या उनमें ऑर्डर है या इन्विटेशन है रिक्वेस्ट है तो इस तरह से हम उनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।